नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दशहरे के मौके पर आज आरएसएस की नई यूनिफॉर्म की हुई लॉन्चिंग। हाफ पैंट की जगह फुल पैंट में नजर आए स्वयंसेवी। सर्जिकल स्ट्राइक पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा, हिम्मत का काम किया लेकिन भारत विरोधी ताकतों को खटक रही है सरकार। जम्मू कश्मीर के बंपोर में 28 घंटे से जारी है एनकाउंटर। पूरी रात होती रही फायरिंग, अभी तक हाथ नहीं आया कोई आतंकी। ईआईजी बिल्डिंग में छिपे हैं आतंकी। राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान पर रक्षा मंत्री का पलटवार। गोवा की रैली में कहा, रक्षा सौदों में कमीशन खाने वालों को दिखती है खून में दलाली। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत देने की जरूरत नहीं। देश भर में विजय दशमी की धूम। प्रधानमंत्री आज लखनऊ में मनाएंगे दशहरा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीओके में बढ़ रहा है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा। क्वेटा में छात्रों ने किया प्रदर्शन। बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी शबीर बलोच की हत्या का लगाया आरोप। और 74 साल के हुए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड में आज भी जलवा कायम। पीएम मोदी ने भी ट्विटर पर दी बधाई। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।